लोगों को शुद्ध और स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव-गांव में करोड़ों की लागत से पानी की टंकी का निर्माण कराया था, ताकि लोगों को पीने योग्य स्वच्छ और शुद्ध पानी मिल सके। लेकिन विभागीय उदासीनता की वजह से पानी की टंकियाँ शोपीस बनकर रह गई हैं। 5 साल पहले बनी पानी की टंकियाँ विभाग द्वारा आज तक हैंडओवर तक नहीं की जा सकी हैं। कुछ जगहों पर पाइपलाइन तक बिछ चुकी है, लेकिन बिजली कनेक्शन ना होने की वजह से पानी की सप्लाई शुरू नहीं किया जा सका है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि इस बार गर्मी पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदारान जागने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को शुद्ध और स्वच्छ पेयजल मिल सके। पेश है एक रिपोर्ट। देखिए, ये वाटर ग्राम पेयजल योजना का पानी सप्लाई करीब 2 साल से बंद था। 5-6 महीना पहले हमने जिला अधिकारी से शिकायत किया, बहुत संघर्ष के बाद पानी सप्लाई चालू कराया गया, लेकिन ना के बराबर चालू करवाया गया। 3 ग्राम पंचायतों को करीब 12 से 15 हज़ार लोगों को पानी सप्लाई से, वाटर सप्लाई से होता है, लेकिन सिर्फ 1 पूर्वे पे पानी आता है। ये पूरा समझिए कि ग्राम पेयजल योजना का सप्लाई ध्वस्त हो चुका है। भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार की पोल ना खुल जाए, इसलिए अधिकारी इसे जो है दबाए हुए हैं। लीकेज के नाम पे जिला अधिकारी महोदया ने 4 महीना पहले जो है बहुत बड़ा मीटिंग रखा था और लीकेज बंद करने के लिए उन्हें प्रस्ताव दिया था कि लीकेज बंद करने के लिए जो पैसा लगेगा हम देंगे। बस्ती जनपद को, पूरे बस्ती जनपद को भ्रष्टाचार का जो कीड़ा लग गया है, वो कीड़ा बस्ती जनपद को सुधरने नहीं दे रहा है। सारे अधिकारी मिले हुए हैं, जिला अधिकारी से शिकायत करो सीडीओ के पास जाता है, सीडीओ के पास शिकायत करो बनकटी बीडीओ के पास आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। लीकेज के नाम पे मैं दावे के साथ कहता हूँ पैसा निकल गया है। बेहिल ग्राम पेयजल योजना के अंतर्गत पानी सप्लाई बनवाने के लिए, लेकिन कहीं एक लीकेज नहीं बना है, लेकिन इसका कोई जांच नहीं होगा। 3 ग्राम पंचायत के लोगों को स्वच्छ पानी पीने से वंचित रखा जाएगा। नहीं, 2 साल से नहीं आ रहा है पानी, शिकायत भी बहुत जगह किए, न कोई सुनवाई है न कुछ है। कितने की लागत से बना होगा? लगभग अब 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत बना है। ये ग्रामीण इसका लाभ नहीं ले पा रहा? नहीं, कुछ नहीं, 2 साल से ज़्यादा हो गया। इसकी शिकायत भी आप लोगों ने किया? हाँ हाँ। अगर पानी आता तो कितने लोग लगभग लाभ लेते? अरे ये मान के, हाँ, 3-4 कई गांव के, माने 3 गांव, मतलब हाँ 3 गांव, कम से कम 4,000-5,000 जनता। देखिए, इसमें जल जीवन मिशन के द्वारा जो है करीब 154 परियोजनाएं थी जो विगत वर्षों में पूर्ण हो चुकी थी। उसमें से लगभग 63 ऐसी परियोजनाएं थी जो ग्राम पंचायतों को अलग अलग वित्तीय वर्ष में अनुभव हुई थी, शेष जो है जल निगम के पास है। हम लोगों ने इस गर्मी में पेयजल की समस्या को देखते हुए इनका सभी अधिकारियों को, टेक्निकल अधिकारियों का सर्वे कराया है। उसमें जो छोटी मोटी कमियां पाई गई हैं, उसको जो ब्लॉक स्तर से हो सकती हैं उनको ब्लॉक स्तर से, जो जल जीवन मिशन की तरफ से होती है उनके तरफ से कराने का निर्देश किया गया है। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि इसमें से जो परियोजनाएँ कम खर्च की हैं और आसान से हो सकती हैं, लगभग 50% हम इसको अप्रैल में चला ले जाएंगे। जो शेष बचेगी, हमारा प्रयास है कि 15 मई तक उनको। सर, कई जगह देखा गया कि 5-5 साल पहले से ही इंस्टॉलमेंट है और अभी तक सप्लाई चालू नहीं किया जा सका है, उसके पीछे क्या रीजन निकल के आ, उसमें जो बेसिक इधर निकल के आ रहा था, हम लोगों ने देखा था कई जगह धन अभाव के भी कार्ड था, कुछ ऐसी परियोजनाएं थी जो ग्राम पंचायतों को नंबर हो गई थी और जो ग्राम पंचायतों में पैसे नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी से मान लीजिए वहाँ पर जो पंप ऑपरेटर उसको पैसे देने को आता या कोई चीज़ खराब हो गई, उन सब चीज़ों को लेकर के ये थी। तो उसको हम लोगों ने आज करके कराया है और प्रयास यही है कि हमारी जितनी लगभग 54 परियोजनाएं सब संचालित।